नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में एक और सांप्रदायिक हिंसा से तनाव का माहौल बना हुआ है तो दूसरी ओर सुकून और प्रेरणा से भरी खबर भी है। दरअसल प्रदेश के खंडवा जिले से महाराष्ट्र के सलीम इस्माइल पठान गुजर रहे हैं। 51 साल के सलीम नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। वे नमाज पढ़ने के साथ साथ रोजा तो रखते ही हैं, साथ ही सुबह शाम पूजा अर्चना और भजन भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन माँ नर्मदा को समर्पित कर दिया है। सलीम इस्माइल के माँ नर्मदा के प्रति विश्वास की एक बड़ी वजह भी है। उनका मानना है कि माँ नर्मदा की वजह से ही वे दोबारा देखने के लायक हुए हैं। उनकी आंखों की ज्योति लौट आई है। नर्मदा भक्त सलीम जब खंडवा आए तो छनेरा बाजार चौक के परिक्रमावासियों के आश्रय स्थल पहुंचे। उनके मुताबिक आंखों में धूल जाने की वजह से उनकी ज्योति चली गई थी और वे देख नहीं सकते थे। उस वक्त उनकी उम्र करीब 11 साल थी। उन्होंने बताया कि उनके इलाज के लिए माता पिता दर दर भटके, कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सलीम ने बताया कि उनकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई, 14 साल तक वे देख नहीं सके। इस बीच एक दिन चमत्कार हुआ, जिंदगी उन्हें स्वामी जनार्दन गिरी के शिष्य के संपर्क मिलाई। वे सलीम को एलोरा महामंडलेश्वर स्वामी शांति गिरी महाराज के पास ले गए। महाराज ने उनका 21 दिन फल फूल से शरीर शुद्ध किया। इसके बाद 8 दिन मौन व्रत का संकल्प का मां नर्मदा का मंत्र दिया। नर्मदा भक्त सलीम के मुताबिक मां की कृपा से 12 दिनों की आंखों की रोशनी लौट आई। इसके बाद वह माता पिता से इजाजत लेकर फिर गुरु के पास गया। तब उन्होंने फैसला किया कि यह जीवन नर्मदा मैया की सेवा और श्रद्धा में अर्पित करेंगे। बता दे, 16 साल में यह सलीम की चौथी नर्मदा यात्रा है। इससे पहले वो 2 बार बाइक पर और 1 बार पैदल यात्रा कर चुके हैं। यह उनकी चौथी यात्रा है। ये यात्रा पिछले साल 21 नवंबर को शुरू हुई थी। सलीम का कहना है कि वह माँ नर्मदा को हमेशा निर्मल देखना चाहते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।